कवरेज लगातार जारी है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ का यह रण जहां पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, सभी 20 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3 बजे तक की समय सीमा थी वोटिंग के लिए और बाकी 10 सीटों पर शाम 5 बजे खत्म हो चुका है वोटिंग का टाइम। लाइन में लगे हुए वोटर यानी कि जो 5 बजे से पहले वहां पहुंच गए थे, कतारों में लगे हुए हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन जो समय सीमा है 5 बजे की वो अब खत्म हो चुकी है और ऐसे में मतदान का ये समय खत्म हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3 बजे तक ही वोटिंग हुई है, मत पड़े हैं और बाकी के 10 सीटों पर शाम 5 बजे खत्म हो चुका है मतदान। सभी 20 सीटों पर यानी कि वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। हालांकि जो मतदाता 5 बजे से पहले पहुंच गए थे पोलिंग बूथ पर, वो अपना मत दे पाएंगे, मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। हर एक अपडेट, हर एक सीट की तस्वीर, वहां की हलचल, वहां के मतदाताओं का उत्साह, हर एक तस्वीर आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार सुबह से ही दिखा रहा है। और अब जब वोटिंग का समय खत्म हो चुका है तो बूथ पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, वहां कितनी कतारों में अभी भी लोग लगे हुए हैं जो समय का इंतजार कर रहे हैं, वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा कहां सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं और कहां मतदाता सुस्त नजर आए, वो एक जानकारी भी आप तक, यानी कि हर एक जानकारी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाएगा। तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव, आज पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब थोड़ी ही देर में वो आंकड़ा निकलकर सामने आ जाएगा जो बता देगा कि मतदाताओं ने कितने जोश के साथ आज मताधिकार का इस्तेमाल किया है। क्या 18 के आंकड़े को ये आज का 23 का आंकड़ा क्या उसे आगे निकल पाएगा या फिर आसपास ही रह जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। और इस टीवी स्क्रीन को गौर से देख लीजिए, इसके सबसे निचले हिस्से में हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां किस जगह पर कितना वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आया है, कितने बजे तक। इसके अलावा टीवी स्क्रीन की अगर हम बात करें बाएं हिस्से की, तो वहां भी आप देख पा रहे हैं कि कहां किसका कब्जा है, यानी कि मेरे बाएं तरफ कहां सीट्स हैं, किस पर किसका कब्जा है, कौन सी पार्टी है, महामुकाबला किसके बीच में है, वो चेहरे भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन 20 सीटों पर राजनांदगांव भी एक सीट थी और उस पर भी सभी की निगाहें थी, क्योंकि यहां के जो स्टार थे वो हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। और आज के जो मतदाताओं का उत्साह था, जो आज का मतदान था, उसको लेकर भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मणि वैष्णव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उमेश घोर मोड़े जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मणि वैष्णव जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या नजर आया इन 20 सीटों को देखकर जो आज यहाँ पर वोटिंग हुई है, कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, जिस प्रकार से हमने 5 साल लगातार काम किया है, उस हिसाब से तो उम्मीद हमें पूरे 20 की है। देखिए, ये जो चुनाव था, ये 15 साल में जो छल किया भारतीय जनता पार्टी ने उसके बीच, और जो हमने 5 साल जो हमने काम किया, इन दोनों के बीच का चुनाव था। और जनता ने इन 5 सालों में चखा है कि असली विकास का स्वाद क्या होता है। और 15 साल दमन झेल चुकी, छल झेल चुकी जनता ने पुनः इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को चुनने का प्रण लिया है, जो कि साफ साफ इस मतदान में, इस चुनाव में हमें देखने को मिला है। जिस प्रकार से उत्साह दिखा लोगों का, तो उससे हमें समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी को वापस लाने के लिए जनता ने जोर शोर से मतदान किया है। जी उमेश जी, कितने सहमत हैं आप? देखिए, ये कह रहे हैं कि 18 में जो इन्हें मैंडेट मिला, क्योंकि बीजेपी सरकार से निराशा थी लोगों में, और अब ये उस मैंडेट को रिपीट करने का यहाँ पर दावा कर रहे हैं। देखिए, चुनाव प्रारंभ हो गए और ये सपने देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिसंबर को जब परिणाम निकल करके आएंगे तो इनके सपने भी चूर चूर हो जाएंगे। और आज जिस प्रकार से उत्साह दिखा है मतदाताओं में, आज तमाम वर्ग, चाहे महिलाओं का विषय हो, बुजुर्गों का विषय हो, युवाओं का विषय हो, हर वर्ग ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग मतदान करने के लिए निकले हैं
महिलाओं के साथ जो अत्याचार अन्याय बढ़ाया उसके खिलाफ महिलाएं मतदान करने निकली है। युवाओं ने जो रोजगार का विषय है, जो रोजगार में भ्रष्टाचार के मामले निकल करके आए हैं, विशेष रूप से बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर में जो पहले युवाओं को आरक्षण मिलता था, जो स्थानीय आरक्षण को बंद करने का काम कांग्रेस ने किया है, उसके विरोध में जाकर के बस्तर क्षेत्र के युवाओं ने कांग्रेस के खिलाफ जाकर के मतदान किया है। वहां के तेंदुपत्ता संग्राहक जिनके साथ लगातार बोनस के नाम पर अन्याय हुआ, उनसे उनका चरण पादुका छीना गया, साड़ी वाली योजना बंद की गई, उनके बच्चों का स्कॉलरशिप छीना गया, इन सबके खिलाफ बढ़ चढ़ के वहां के तेंदुपत्ता संग्राहकों ने कांग्रेस के खिलाफ जाकर के मतदान किया है। और वही अगर मैं मैदानी इलाकों की अगर मैं बात करूं, चाहे मैं कवर्धा की बात करूं या फिर राजनांदगांव की बात करूं, मानपुर ढोला की बात करूं, वहां भी एक जबरदस्त उत्साह देखने मिला। जिस प्रकार से सड़कों की हालत पूरे प्रदेश के अंदर में है, पूरे प्रदेश को गड्ढा मैं बनाने का काम इन्होंने किया है, ऐसे तमाम विषय है। धर्मांतरण का विषय है, धर्मांतरण को लेकर के जिस प्रकार से सरकार 5 वर्षों तक लापरवाह बनी रही, बस्तर के अंदर में कमिश्नर से लेकर के एसपी तक ने पत्राचार किया और लॉ एंड ऑर्डर का विषय बताया, अंततः परिणाम लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के रूप में निर्मित हुए और आदिवासी भाई आपस में संघर्ष। मणि वैष्णव जी देखिए सारे मुद्दे गिनवा दिए, यहाँ पर पूरा अच्छा खासा होमवर्क करके बैठे हैं उमेश जी, और कह रहे हैं कि देखिए इन इन मोर्चों पर आपकी सरकार नाकाम रही है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब हमारी सरकार बनी उसके बाद 3-3.5 साल तक भारतीय जनता मुद्दा विहीन रही। भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा नहीं मिलता था जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साध सके। तो बाकी के बाद के समय में क्या हो गया? उसके बाद केंद्र में बैठे इनके आकाओं ने देखा कि छत्तीसगढ़ भाजपा तो कुछ कर नहीं पा रही कांग्रेस का, तो वहां से इन्होंने ईडी को भेजा, सीबीआई को भेजा, जो केंद्रीय एजेंसी है उसको यहां भेजा ताकि वो लोग छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम कर सके। और उसी आधार पे उमेश घोरमणी जी लगातार जो है बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डिबेट में इस प्रकार के आरोप लगा सकते हैं, भाषणों में इस प्रकार के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर इस प्रकार के आरोप लगाएंगे तो खदेड़े जाएंगे, और कई जगह खदेड़े भी गए हैं। विजय बघेल जी ने भी इसी प्रकार की बात कही थी पाटन में, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है पाटन, वहां से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल, उन्होंने भी जनता के बीच ऐसे ही बातें कही थी। जनता ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया था, उन्हें कहा था कि 15 साल में तो आपको कुछ मिला नहीं, जो मिला 5 साल के शासनकाल में मिला भूपेश बघेल के, और ये वीडियो पूरा प्रदेश में वायरल हो गया। तो जनता के बीच ये सब ये बातें नहीं कर सकते। इनके जितने भी आरोप हैं वो काल्पनिक है, सतही है। अब वास्तविकता ये है कि हमने जो है 36 में से 34 वादों को, लगभग 95% वादों को हमने पूरा ही किया है, और यह रिकॉर्ड है, किसी भी राज्य सरकार ने आज तक इतने प्रतिशत वादों को पूरा नहीं किया। इसके अलावा जो हमने नहीं कहा था धनवंतरी मेडिकल, हमने नहीं कहा था, हमने जो है डेनेक्स फैक्ट्री की बात नहीं की थी, हमने आत्मानंद स्कूल की बात नहीं की थी, लेकिन इस क्षेत्र में भी हमने काम किया है। तो हमारी काम करने की नियत थी, इसी कारण हम काम कर पाए, और इसी काम के दम पर ही हम जनता के बीच गए, और इस काम के दम पर ही जनता हमें जिता रही। जी उमेश जी, एजेंसियों को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती रही है केंद्र सरकार, ये आरोप तो कांग्रेस हर मंच से लगाती रही है। मणि वैष्णव जी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि 3.5 साल तो आपको कुछ मिला ही नहीं प्रदेश में कहने के लिए, उंगली उठाने के लिए, लेकिन आखिर के समय में आप लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी। देखिए कांग्रेस का 5 वर्ष तो केवल आरोप लगाने में ही बीता है, चाहे एजेंसियों का विषय हो, केंद्र सरकार का विषय हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विषय हो, ये केवल आरोप लगाते रहे। बीते 5 वर्षों में कोई एक ऐसी उपलब्धि बताने में आज कांग्रेस के नेता विफल है जिसका भूमि पूजन इन्होंने किया हो, लोकार्पण इन्होंने किया हो, और जिस प्रकार से ईडी और तमाम एजेंसियों का विषय है, आरोप लगाते हैं, तो क्या ये इस देश की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं? क्या ये उस न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं जो लगातार इनके, चाहे सीएम हाउस के जो अधिकारी हो, इनके आईएएस अधिकारी हो, तमाम लोग हैं, वो लगातार ट्रायल हो रहा है, न्यायालय के अंदर में निर्णय निकल करके आ रहे हैं, उनकी जमानत बार बार खारिज होते जा रही है, क्या ये उसको झूठा साबित करना चाहते हैं? क्या कांग्रेस के नेताओं को इस देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, न्यायालय के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या ये न्यायालय को चुनौती दे रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, जब इनकी पोल खुल गई है बीते 5 वर्षों में, जो इन्होंने वादे किए थे उसमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, भले इनके प्रवक्ता यहाँ पर बड़े बड़े नाम 95% 90% का दावा करें, लेकिन इनके कई मंत्री, टीएससी देव साहब कितने वादों की बात करते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष साहब कितने वादों की बात करते हैं, सदन के अंदर में आपने कितने वादों को स्वीकार किया? शराबबंदी का विषय, अरे सुन लीजिए, शराबबंदी हो गई क्या? आप फिर से घोषणा पत्र लेकर के आए, उसमें क्यों वादा नहीं किया?
देखिए अब इनकी पोल खुल रही है तो ये बीच में नहीं, बोल तो रहे हैं आपने तो, विभेदीकरण का क्या आपने तो होगा, पूरे आदमी यहाँ समझ पर रहा है आरोप लगाने की झड़ी लगा दी है, जवाब तो सुन लेते हैं उनसे। मणि वैष्णव जी, देखिए एक एक कर आपने सिर्फ मंचों से लाउडस्पीकर के जरिए वादे करने का ऐलान किया, जमीन पर कोई भी वादा इंप्लीमेंट नहीं किया, ये आरोप है उमेश घोरमोड़े का। देखिए मैं बताता हूँ, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ तो उमेश घोरमोड़े भी ले रहे होंगे, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ले रहे होंगे। बता दी इसका लाभ मुझको मिल रहा है, बता दीजिए। हम धान जो है हर साल बेचते हैं और उसकी रसीद जो है वो वायरल भी होती है, तो ये बात ना कहें कि जो है कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ भाजपा अब जवाब दे लीजिए। अच्छी तरह जानती है कि उनके लिए काम हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कांग्रेस पार्टी ने किया है कई योजनाओं के तहत, और इस बात को जनता खुद महसूस कर रही है, और जिस चीज को जनता महसूस कर रही है उसे आप इस तरह झूठ बोलकर एक शब्द में झुठला नहीं सकते, ये बिल्कुल गलत बात। मैं भी पूछ लेता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना 16 लाख गरीब प्रधानमंत्री परिवारों के आवास योजना आवास भाई, को लटका कहां लेकर याद किया काम है आपने किया, आपको? है आपके प्रधानमंत्री मंत्री योजना टी भाई, एस कहां याद सिंहदेव किया है साहब ने आपको? अपना विभाग आवास छोड़ योजना दिया, करवा दिया, उस पर आपका क्या कहना काम है? नहीं किया है, काम आपने तो घोषणा नहीं पत्र किया में है कहा बार था बार। कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में बाड़ी देंगे, बड़ा मकान देंगे, इस एक व्यक्ति को आपने दिया, मेरी खुली चुनौती है बता दीजिए, शहरी क्षेत्रों के अंदर में 2 कमरे का मकान देंगे, इस एक व्यक्ति को दिया, खुली चुनौती बता दीजिए, उल्टा 16 लाख गरीब परिवार के मकान के ऊपर कुंडली मार करके बैठ गए, एक गरीब व्यक्ति को मकान लेने नहीं दिया, उनके आवास के स्वप्न को चूर चूर करने का पाप आपने जो किया है ना, उसके खिलाफ ठीक है, जाकर के आज मतलब मतदान हो रहा अवैध है, इसका तरीका हिसाब 3 तारीख एक को 30 सामने आना। वादे किए हैं ना आपने 15 साल में, 3 साल के शासन काल में, उसमें से देखिए 30 ये में बड़ा निकालो भाई, एक मिनट तो एक है मिनट, अगर आप दोनों ही साथ साथ बोलेंगे दर्शक को समझ नहीं पाएंगे ना, आप अपनी अपनी बात रखिए अपनी अपनी बारी आने पर। मणि वैष्णव जी, देखिए उमेश घोरमोड़े जी यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, बकायदा योजनाओं के नाम बता रहे हैं, जो नाम योजनाएं बनाई तो गई लेकिन उन पर अमलीजामा नहीं पहनाया गया, और आप किस तरह आप में विश्वास की कमी दिखाई दे रही है यहां पर, मैं कहूंगी क्योंकि आप उतना कॉन्फिडेंटली उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पड़ता है झूठे आरोप लगाते हैं इसलिए टोकना पड़ता है इनको। नहीं नहीं आप टोकिए, आप अपनी बात रखिए, टोकिए मत, पूरी बात रखिए अपनी। जी देखिए मैं आप कह रहा हूं कि 150 वादे किए थे 3 बार के इनके शासन काल में, 3 बार चुनाव लड़े छत्तीसगढ़ में, 3 बार घोषणा पत्र बनाया और 3 बार जीते, तीनों बार जो है ना कुल मिला के 150 वादे इन्होंने किए थे। 2003 में सबसे पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा तो बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, साथ ही 9 वादे किए थे, उन 9 वादों में से 8 वादों को 15 साल सरकार में रहने के बावजूद, 3-3 बार चुनाव जीतने के बावजूद इन्होंने पूरा नहीं किया 9 में से 8 वादों को। ये क्या जो है वादे खिलाफी की बात करेंगे, और ये शराबबंदी की बात कर रहे थे भाई साहब, सबसे ज्यादा 300 करोड़ राजस्व आता था शराब से पहले, जब पहली बार शासन में आई थी भारतीय जनता पार्टी, 5,000 करोड़ तक आपने पहुंचाया, गली गली में आपने शराब दुकान खोला, न मंदिर देखा ना पाठशाला देखी, हर जगह शराब दुकान खोला। आप शराबबंदी की बात करते हैं, और आप अगर शराबबंदी चाहते हैं तो आपने जो इस बार घोषणा पत्र लाया है उस घोषणा पत्र में शराबबंदी का कहीं पर जिक्र क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश में आप राजस्व बढ़ाने क्यों कहते हैं? मध्य प्रदेश में आप महिलाओं के लिए अलग दुकान खोलने की बात क्यों कहते हैं? सरोज पांडे यहाँ पर क्यों बोलती कि ना हमने कभी शराबबंदी की बात की थी ना कभी करेंगे? तो जो है शराबबंदी केवल आपके लिए राजनीति का एक जुमला है, बार बार आप शराबबंदी की बात करते हैं लेकिन शराबबंदी आप चाहते नहीं है। नहीं लेकिन शराबबंदी वो तो तो हम ये पूछ रहे हैं ना कि कांग्रेस के लिए क्या किया इसको लेकर, क्या शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है या एक नब्ज है जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां बहुत सेंसिटिव हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी को शराबबंदी से कोई मतलब नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी को मतलब होता तो घोषणा पत्र में लिखती है शराबबंदी, तो हमने वादा किया था, हम शराब को सार्वजनिक बुराई मानते हैं, हमने इसीलिए वादा किया था और उसके ओर हमने कदम भी बढ़ाया, 200 शराब दुकानों को हमने बंद किया है। देखिए हमारी इच्छा थी शराबबंदी की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे कोरोना काल आया तो कोरोना काल में हमने देखा कि सारी शराब दुकानें बंद थी और इसके कारण सैनिटाइजर पीकर कहीं पर एल्कोहल मेडिकल एल्कोहल पीकर लोगों की मृत्यु होने लगी, तो हम समझ गए कि जो है शराबबंदी को अचानक से नहीं किया जा सकता, ये नोटबंदी की तरह शराबबंदी अगर कर दी जाएगी तो इसके दुष्परिणाम ज्यादा है, तो इसीलिए हमने जो है चरणबद्ध तरीके से प्रबंधित तरीके से शराबबंदी स्ट्रैटेजी करने है कांग्रेस के पास उमेश घोरमोड़े जी, रातों रात कुछ नहीं करेंगे ताकि जनता परेशान ना हो, एक स्ट्रैटेजी के तहत हर कदम उठाया जाएगा। एक बात और, पेशा कानून लागू करके हमने भाई, ग्राम सभाओं को अधिकार दे दिया है, जवाब चाहे तो अपने गांवों में शराबबंदी कर सकते हैं। ठीक हो गया आपका, अब धैर्य पूर्वक सुनिए। देखिए मनी जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही, आप शराबबंदी करने की हमारी इच्छा थी इसलिए हमने घोषणा पत्र में, 5 वर्षों में इच्छा क्यों खत्म हो गई भैया?
शराब से अलग से आय होने लगी तो आपकी इच्छा खत्म हो गई क्या? कौन सी नियत आपकी डगमगा गई? देखिए, इन्होंने 2018 के अंदर में कहा था कि छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों से हम वादा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने छत्तीसगढ़ के गांव गांव गली गली में घर घर तक शराब की होम डिलीवरी करने का काम किया। ये इनकी कैसी इच्छा थी? घर घर तक शराब परोसने वाले इस नियत से शराबबंदी करेंगे। और तो और, छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस प्रकार से 2000 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला निकल करके आया और शराब से होने वाली अवैध कमाई कहां कहां तक पहुंची होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले इनकी इच्छा थी और जब ये राजस्व में डाका डालने लगे, शराब की अवैध कमाई का हिस्सा जब इनको मिलने लगा तो इनकी इच्छा खत्म हो गई। ये उसको सामाजिक बुराई बताने लगे। तो छत्तीसगढ़ की माताएं बहने इस शराबबंदी के झूठे वादे के लिए, जिसके चलते तमाम माताओं बहनों के घर के अंदर में कलह कलेश, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, के खिलाफ जाकर वोट कर रही है। और एक महत्वपूर्ण, ठीक है उमेश जी, ठीक है, मणि जो इन्होंने आरोप लगाया, देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये 5 वर्षों तक सरकार में है और ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के घोषणा पत्र की याद दिला रहे हैं। इनको जरा अपने 2018 के नहीं तो अपने अपने गृहबार में तो कोई झांक ही नहीं रहा ना। मैं सवाल आपसे कर रही हूँ, आप पूरा बही खाता कांग्रेस का लेकर बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी का बही खाता की बात कर रहे हैं। मणि वैष्णव जी, इच्छा शक्ति की कमी थी या क्या जो वादे किए गए लेकिन पूरे नहीं हो पाए? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमने 36 वादे किए थे, उसमें से 34 वादे हमने पूरे किए हैं। लगभग 95% वादों को छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा किया है और रिकॉर्ड है पूरे 95% आप कह रहे हैं, आपके मंत्री 12 कहते हैं, 95% आप कह रहे हैं ना, 95% वादों को हमने पूरा किया है। ठीक है ठीक है, एक सेकंड मुझे एक सेकंड दीजिए यहाँ पर। उमेश जी, 95% वादे पूरे किए हैं तो 5% पे तो अगला कार्यकाल मांग रहे हैं जनता से, इसीलिए इन्होंने दोबारा शराबबंदी का वादा नहीं किया। इस बार क्यों नहीं किया भैया? क्यों आपको लगता है शराबबंदी हो गई? बार बार करने की जरूरत नहीं है, हम शराब करेंगे, ग्राम सभा को अधिकार दे दिया, संपत्ति कर माफ करेंगे, आपने सर्विस चार्ज लगा दिया, बढ़ा हुआ संपत्ति कर भेज दिया, आपने कहा था 10 दिन में निमितीकरण होगा, 5 साल बीत गए, निमितीकरण का हता पता नहीं है। ऐसे अनेक वादे हैं जो आपने अधूरे छोड़ दिए। आपने कहा था 1 लाख नौकरी देंगे, आपके पीएससी से लेकर के व्यापम तक भ्रष्टाचार निकल करके आता है, 5 साल हो गए हैं आपके सब इंस्पेक्टर की भर्ती की ज्वाइनिंग आप नहीं करा पाए। ठीक है, उमेश जी, जल्दी से बता दीजिए 20 बजे कितनी सीटें आ रही है बीजेपी की? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बात का संकल्प ले लिया है कि तमाम बूथों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे, बस्तर की 12 की 12 सीटें जीतेंगे हम। और नंबर 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 दीजिए मुझे, नंबर 20 बजे कितनी? हम 20 में 18 के लगभग सीटें। ठीक है मणि वैष्णव जी, आप नंबर दीजिए 20 में से कितनी सीटें? बहुत बहुत हिम्मत करके इन्होंने 18 कहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, इस बार हम नहीं, समय नहीं है, समय नहीं है, नंबर दीजिए, नंबर दीजिए, नंबर 20 में से 20 सीटें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो दावा यहाँ पर कांग्रेस कर रही है 20 में से 20 और बीजेपी ने किया है 20 में से 18, लेकिन जनता ने अपना फैसला ईवीएम का बटन दबाकर तय कर दिया है और क्या फैसला है उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हर एक तस्वीर चुनाव से जुड़ी हुई, हर एक अपडेट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक लगातार पहुंचा रहा है। जल्द लौट रहे छोटे से ब्रेक के बाद।